हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू वेलकम टू सटराडी नॉलेज आज हम कवर करेंगे 29 और 30 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर चलो फिर शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बिच टीम बॉर्न वुमेंस टी ट्वेंटी चैलेंज बीट वेलोसिटी किस टीम ने वेलोसिटी को हराकर महिला टी ट्वेंटी चैलेंज जीता सुपर नोवस ट्रेल वलेजर्स सुपर जैंस टाइटन्स क्वेश्चन तो का राइट right आंसर है सुपरनोवास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच टीम हैज़ बोन द आई पी एल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो आई पी एल दो हज़ार बाईस किस टीम ने जीता है राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटन्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है गुजरात टाइटन्स गुजरात टाइटन्स बीट्स राजस्थान रॉयल्स तो गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर आई 2022 जीता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च इट्स हाइपरसोनिक जिरकोन क्रीज मिसाइल तो हाल ही में किस देश ने अपनी हाइपरसोनिक जिरकोन क्रीज़ मिसाइल का सफल परीक्षण किया है इंडिया जर्मनी जापान रशिया तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है रशिया रशिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर ए हाइपरसोनिक जिरकोन क्रीज मिसाइल ओवर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1,000 किलोमीटर द डिफेंस मिनिस्टर सैड तो रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस ने लगभग रूस ने लगभग 1,000 किलोमीटर की दूरी पर एक हाइपरसोनिक जिरकोन क्र्यूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया प्रेजिडेंट व्लादिमिर पुतिन ज डिस्क्राइब दज ए पार्ट ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ अनिवेल्ड आर्म्स सिस्टम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन इलेक्टेड एज आई वी एथलीट्स कमेटी चेयरपर्सन इन मई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो मई दो हजार बाईस में आई वी ए की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है लोवलिना बोर्गैन मैरी कॉम मीराबाई चानू नीरज चोपड़ा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोवलिना बोर्गैन इंडियाज टोक्यो ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट लोवलिना बोर्गैन हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन एज वोटिंग मेंबर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द आई वी एथलीट्स कमेटी द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन हैज़ अनाउंस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क वॉज इनोगेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी निम्नलिखित में से किस राज्य जहाँ केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया लद्दाख हरियाणा जैंड के पंजाब तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जैंड के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनोगेटेड नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क एट कठुआ तो ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया तो so, ये, गया so, ये किया गया है जे के की एक डिस्ट्रिक्ट है कठुआ तो ये कठुआ में इनोग्रेट किया गया फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क वाइल्ड इनोगेटिंग द पार्क अलोंग विद जे एंड के एल जी मनोसिन्हा दूनियन मिनिस्टर सैट द बायोटेक पार्क वुड एक्ट एज ए हब फॉर इनकोवेशन ऑफ न्यू आइडियाज एंड ए रोबोस्ट प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट एग्री एंटरप्रेनॉर्स स्टार्टअप्स प्रोग्रेसिव फार्मर्स साइंटिस्ट स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स नॉट ओनली फ्रॉम जे एंड के एंड लद्दाख बट आल्सो फ्राम नीरबाई स्टेट्स ऑफ पंजाब हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश तो एल जी के साथ साथ जूनियर मिनिस्टर जी वहाँ पर थे उनके साथ साथ एल जी भी थे थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस तो ये अभी जो बायोटेक पार्क है ये न्यू न्यू आइडियाज लाएगा किसके लिए फार्मर्स के लिए साइंटिस्ट के लिए स्कॉलर्स के लिए स्टूडेंट्स के, के लिए और ये सिर्फ जे के वालों के लिए नहीं है ये है लद्दाख हरियाणा हिमाचल प्रदेश इनको इन स्टेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा बायोटेक पार्क विल कैरी आउट रिसर्च ऑन बायोडाइवर्सिटी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड इट विल आल्सो प्रमोट ग्रीन कैटेगरी बिजनेस तो बायोटेक पार्क जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जय विदिता औषधि की सुगढ़ पौधों पर शोध करेगा और यह हरित श्रेणी के व्यवसाय को भी बढ़ावा देगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मई 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू आई एन एस डी कमीशन एडविच नोवल डॉकयार्ड तो मई 2022 में आई एन एस गोमती को किस नौसेना डॉकयार्ड में सेवा मुक्त किया गया मुंबई चेन्नई कोची विशाखापट्टनम तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुंबई आई एन एस गोमती derives हर name फ्रॉम दी वाइब्रेंट रिवर गोमती एंड was कमीशन ऑन सिक्सटीन अप्रैल नाइनटीन एटी एट वाई minister डिफेंस मिनिस्टर के सी पंत एट माचकॉन डॉक लिमिटेड बॉम्बे द थर्ड शिप ऑफ द गोदावरी क्लास मिसाइल फ्राइगेट्स गेट्स आई एन एस गोमतीवाज आल्सो द ओल्डेस्ट वारियर ऑफ द वेस्टर्न फ्लीट वेन डी कमीशन ड्यूरिंग हर सर्विस शी पार्टिस इन ऑपरेशन कैक्टस परिक्रम एंड रेनबो एंड सैबरल वायलिटेटर एंड मल्टी नेशनल नेवल एक्साइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच यूनियन मिनिस्टर हैज अप्रूव द प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ ए न्यू डिफेंस ई स्टेट सर्कल फॉर उत्तराखंड किस केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड के लिए एक नया रक्षा संपदा सर्कल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर एक्सटर्नल मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अप्रूव किया है न्यू डिफेंस स्टेट सर्कल फॉर उत्तराखंड प्राइम मिनिस्टर आपको पता है श्री नरेंद्र मोदी जी एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जूनियर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ अप्रूव द प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ ए न्यू डिफेंस ई स्टेट सर्कल एक्सक्लूसिव फॉर उत्तराखंड अबाउट द डिफेंस ई स्टेट सर्कल द क्रिएशन ऑफ ए न्यू डिफेंस स्टेट सर्कल एट देहरादून एक्सक्लूसिवली फॉर उत्तराखंड विल फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन इन गेटिंग टाइमली एंड क्विक एक्सेस टू वेरियस सर्विस ऑफ डिफेंस लैंड मैनेजमेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द इंडियन बिजनेस पोर्टल इन न्यू दिल्ली तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने न्यू दिल्ली में भारतीय व्यापार पोर्टल लॉन्च किया है अनुप्रिया पटेल पीयूष गोयल मीनाक्षी लेखी आर के सिंह तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है अनुप्रिया पटेल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कमर्स एंड इंडस्ट्री अनुप्रिया पटेल लॉन्च दी इंडियन बिजनेस पोर्टल इन न्यू दिल्ली दिस पोर्टल विल सर्व एज एन इंटरनेशनल ट्रेड हब फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड फॉरन वायर्स। द पोर्टल इज ए बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल मार्केट प्लेस टू एम्पावर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स आर्टिश एंड फार्मर टू आइडेंटिफाई न्यू मार्केट्स फॉर देयर प्रोडक्ट एंड ग्रो देर सेल ग्लोबली तो मिनिस्टर ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनुप्रिया पटेल ने जी ने यह लॉन्च किया है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये पोर्टल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा किसके लिए होगा है फार्मर्स के लिए होगा आर्टिस के लिए होगा ठीक है ये था बिजनेस पोर्टल आज के सेशन हमारा बस इतने तक ही था अगर आपके लिए वीडियो एक परसेंट भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू एंड हैव ए गुड डे